सभी को नमस्कार। बच्चों 2009 में WHO ने इसको प्रारंभ किया। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि WHO की फुल फॉर्म क्या है? एक्सीलेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। तो इसका जो ये मैडम ने अभी नाम बताया है कि वाशिंग डे, वर्ल्ड वाशिंग डे, ये क्यों मनाया जाता है और इसका क्या उद्देश्य है? तो बच्चों, हमारे हाथों की फिंगर या पूरा हाथ, हमारा पाम, सुबह जब हम उठते हैं तो कहीं हम जो दरवाजे हैं उनके हैंडल को टच करते हैं, या हम दूसरी चीजें हैं, कोई लिखने पढ़ने का काम करते हैं तो पेन को टच करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं उसको टच करते हैं, तो ऐसे डिफरेंट टाइप की चीजों को हम टच करते हैं, और उसको टच करने से हमारे हाथों में, नेल्स में, फिंगर्स के बीच में या फिंगर टिप पर, पाम पर जर्म्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से रोग का प्रसार होता है और हमारी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाती है। तो बच्चों, रोगाणु जर्म्स को रोकने के लिए, इनको रिड्यूस करने के लिए और संक्रमण को बिल्कुल रोकने के लिए हम हैंड वॉशिंग डे मना रहे हैं कि भाई ये ना फैले, रोगाणु ना फैले। तो आपको ये तो हर वर्ष मनाया जा रहा है और हमें डेली करना है, ऐसा नहीं कि आज ही आज हमें हाथ धोने हैं। तो हमें डेली जब भी कुछ खाते पीते हैं पहले अच्छे से हाथ धोएं, कुछ टच करते हैं पहले जरूर हाथ धोने हैं। तो हाथ धोने के, हैंड वॉशिंग के जो निर्धारित पॉइंट्स हैं, मिनिमम पॉइंट्स हैं, वो 7 स्टेप्स हैं, उनको आपको ध्यान देना है। और एक चीज और है कि हैंड वॉशिंग का जो टाइम है वो 40 to 60 seconds है। तो 40 से 60 सेकंड तक हमको हाथ रब करने हैं, और किस तरह से करने हैं? सबसे पहले हम हैंड वॉश जो हमारे पास ये रखा है इसको लेंगे, और आप बच्चे देखते रहेंगे, फर्स्ट स्टेप है कि रब योर पाम, पाम को रबिंग करेंगे इस तरह से, इस तरह से इनको रब करिए कुछ सेकंड तक। सेकंड स्टेप है कि आप रब करिए जो बैक साइड है, हैंड्स की बैक साइड को रब करेंगे, दोनों हैंड्स की। थर्ड स्टेप है जो फिंगर्स है, आगे का पोर्शन, इंटरफेस ऑफ द फिंगर, इनको रब करिए। इस टाइप से सबको दिखाई दे रहा है। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप है अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अंदर के पार्ट को इस तरह से, जो फिंगर का ऊपर का पोर्शन है उसको रब करेंगे इस तरह से। फिफ्थ स्टेप है तो आपका ये थंब है, इसको आप यहाँ रोटेट करिए इस तरह से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रोटेटिंग मैनर बोलते हैं इसको, ऐसे आप रोटेट करेंगे दोनों हाथों के थंब को। ये पांचवा स्टेप है। और छठा स्टेप है, आप इनको अंदर से इंटरलॉक करें और इस तरह से करेंगे, और उसके बाद देखिए ऐसे करिए अपने नेल्स को, क्योंकि जम्स नेल्स में भी आ जाता है, इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आप रब करिए दोनों हाथों को। जो भी जम्स आपके नेल्स में आ गए हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और लास्ट स्टेप है 7, जो रिस्ट है, रिस्ट को रोटेट करिएगा, रोटेटिंग मैनर, दोनों हाथों को। इस तरह से 40 से 60 सेकंड का टाइम लग जाता है।
और बाद में पानी से वाश कर लीजिएगा। तो बच्चों ये ऐसा नहीं है कि आज ही हमें धोने हैं, इस तरह से जब भी आप कुछ भी खाते पीते हैं इसका विशेष ध्यान रखें कि अपने उसमें डाल लीजिए नेचर में कि हमें हाथ धोए बिना कुछ भी खाना पीना नहीं है। थैंक यू।